Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड में हमने सब कुछ देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा, पार्टनरशिप के बारे में देखा, कंपनी के बारे में देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सारा कुछ देखा। लास्ट स्लाइड में हमने ये भी देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। आज हम देखने वाले चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, उसके पहले आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, विल सी इन दिस स्लाइड। Yes, so हम देखने वाले चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। आपको कितना कैपिटल चाहिए, समझ रहे हैं? अगर समझो आपके बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट इज वेरी ह्यूज, देन गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके बिजनेस फॉर्म में समझो कैपिटल बहुत ही कम चाहिए, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर मीडियम साइज में चाहिए, देन यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यू कैन गो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जा सकते हो। समझ रहे क्या? तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल बोलो, फिक्स कैपिटल बोलो, करंट कैपिटल बोलो, जितना भी कैपिटल है, कैपिटल के बारे में सोचो तो कितना कैपिटल चाहिए, वो हिसाब से आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर समझो ऐसा है कि आपको कैपिटल खुद का नहीं डालना है, किसी और से डलवा के खुद मैनेज करना है, गो फॉर कंपनी। ऐसा है कि नहीं यार, कैपिटल भी मुझे डालना है, मैनेज भी मुझे करना है, गो फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा है कि यार कैपिटल बहुत ही कम पड़ेगा अगर अकेला रहूंगा, तो थोड़ा ज्यादा कैपिटल के लिए दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। समझ रहा है? बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल यू शुड सिलेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहा है? समझा तुम लोग को? यस, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे, अगर कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। अगर बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए और मीडियम कैपिटल चाहिए, ना सोल पे पड़े जितना कम, ना कंपनी जितना ज्यादा, गो फॉर पार्टनरशिप। यस, और जॉइंट इन द फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क फैक्टर एंड लायबिलिटी। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो रिस्क विल बी वेरी हाई। क्यों? क्योंकि यार अकेला ही बंदा है जो लॉस बेयर करेगा, लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। समझ आया? तो रिस्क भी ज्यादा है और साथ में ऑब्वियसली लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप में भी सेम। समझ रहे? हाँ, बट रिस्क बटेगा। देखो लायबिलिटी भी सब में बटने वाली है, तो यहाँ पे देखो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी फॉर्म में जाओगे तो देखो रिस्क ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसमैन, मैनेजर का रिस्क विल बी वेरी लेस। समझ रहे? मैनेजर का कुछ भी नहीं जाने वाला अगर बिजनेस बंद हो गया तो। बट यस, लायबिलिटी इज लिमिटेड। समझ रहे? ऑन दी अदर एंड अगर मैं रिस्क को ऐसा देखूं कि यार ये रिस्क ऐसा है कि बिजनेस रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो कंपनी को बहुत सारे बिजनेस रिस्क होते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी देखो, अलग अलग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट देखो, तो ये सारा बहुत बड़ा रिस्क है। बट अगेन लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। पार्टनरशिप में उससे थोड़ा कम रिस्क, बट लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एनवायरमेंट पॉइंट से देखो, तो यार यहाँ पे रिस्क सबसे कम होता है। ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या होगा? समझ रहे? छोटा सा कैपिटल है, छोटा सा बिजनेस है, तो ज्यादा रिस्क नहीं है। छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क, बट अगेन लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। दोनों अगर देखने जाएगा तो इनवर्स रिलेशनशिप है। रिस्क जितना कम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, उतना ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और बिजनेस कंपनी में देखा जाएगा तो रिस्क इज वेरी हाई, बट वहां पे लोगों का लायबिलिटी इज लिमिटेड। यस, योर नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार मैं रहूं ना रहूं, बिजनेस तो चलते ही रहना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसा कि नहीं यार मैं रहूं तब तक ही बिजनेस होना चाहिए, मैं नहीं तो बिजनेस भी खत्म हो जाना चाहिए, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको ऐसा है कि यार मैं अकेला बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे यार पार्टनर्स की जरूरत है, और पार्टनर से बात करके मैं खुद का निकला तो भी बिजनेस फिर भी चालू रहेगा, तो गो फॉर पार्टनरशिप। आपको ऐसा है कि यार फ्री एंट्री फ्री एग्जिट वाला बिजनेस चाहिए, गो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ रहा है? तो बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट कंट्रोल, अगेन गवर्नमेंट कंट्रोल प्लेज वाइटल रोल। अगर समझो आपको गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए ही नहीं, मिनिमम चाहिए, देखो रहेंगे तो सही, इंडिया है तो अपना मिक्स्ड सिचुएशन चलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों को कंट्रोल करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों को कंट्रोल करता है, हम लोग कुछ कुछ
खुद के लिए लॉज बना, लॉज मतलब MOA, खुद के रेगुलेशन के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस तो आएगा, बट अगर आपको मिनिमम चाहिए गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको चाहिए कि यार नहीं थोड़ा बड़ा ही बिजनेस करे, गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज्यादा ही अपने ध्यान है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर सिलेक्ट करोगे तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, समझ रहा है। और आपको कहीं पर मिड वे में रहना है किधर, तो बीच में रहना है, तो गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, गो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम है एज कम्पेयर टू कंपनी, समझ रहा है। तो इसके हिसाब से भी इट इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर चूजिंग द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल जितना कम चाहिए गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर कम नहीं लोगे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा ही आ जाएगा। मैनेजरियल नीड्स, अगर ऐसा है कि आपको लगता है यार नहीं दूसरों को भरोसा नहीं करना है, मेरे को खुद से बिजनेस संभालने का, भले छोटा तो छोटा, मुझे बिजनेस खुद को ही संभालना है, खुद ही कंट्रोल करना है, खुद ही कैपिटल डालना है, खुद ही प्रॉफिट एंजॉय करना है, और लॉस हुआ तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है, तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका ये थिंकिंग नहीं है, आपको लग रहा है नहीं मैनेजरियल नीड ज्यादा ही चाहिए रहेगा, ज्यादा ही मैनेजर्स चाहिए अपने को, बिजनेस स्प्रेड ओवर करना है पूरा, हो सकता है MNC बनना है आपको, समझ रहे आपके कंपनी का MNC बनाने का है, तो गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मीडियोकर आपको समझो कि मिडल में इसका रिक्वायरमेंट है, देन गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, समझ रहे। ये तीन का ये कर रहा हूँ, मुझे पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड HUFB है, बट उसको अभी के लिए थोड़ा साइड पे रख दो, ये तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही बात करेंगे हम। ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट हायरार्की का, मैनेजमेंट नीड्स ज्यादा है गो फॉर कंपनी, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर मिडल में कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है देन गो फॉर पार्टनरशिप। यस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए, आपके हिसाब से काम करना है, जब भी छुट्टी चाहिए तभी छुट्टी लेना है, जब भी खुद के हिसाब से सारा काम करना है, बीच में लंच टाइम पे घर पे भी जाना है, देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, गो फॉर कंपनी, काम ही करना है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए गो फॉर कंपनी, और थोड़ा मिड रेंज में आपको रहना है गो फॉर पार्टनरशिप, समझ रहे। एक आध दिन नहीं जा रहे हो तो आपका पार्टनर चला जाएगा, और आपका पार्टनर का डे आएगा तो भैया आप जा सकते हो, तो ऐसा आप एक्सचेंज करवा सकते हो, तो गो फॉर पार्टनरशिप, समझ रहे। बहुत ज्यादा अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहे हो, और दोनों के बीच में क्या है पार्टनरशिप फॉर्म। टैक्स लायबिलिटी का बात करूं तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे सर उसका भी तो 30% है, बट 10 लाख के ऊपर की इनकम भी 30% है, समझ रहे। 2.5 लाख से 5 लाख तक सिर्फ 10% है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% ऑफ द इनकम पे टैक्स है, एंड 10 लाख के ऊपर ही 30% का टैक्स रेट है। अब इनकम टैक्स एक्ट अब तक आपको सिलेबस में आया नहीं, इसके लिए ज्यादा नहीं पता होगा, मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स ही नहीं है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जितना भी इनकम होगा उस पर 10% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख में जितना भी इनकम होगा उसमें 2.5 से 5 का जो 10% आएगा 25,000 वो तो भरना ही है साथ में, प्लस 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी इनकम है उस पर 20% टैक्स, समझ रहे। और 10 लाख के ऊपर जितना होगा उस पर 1,25,000, क्योंकि वो 2.5 लाख पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का 25,000, एंड 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, मतलब उसका 1 लाख, तो 1,25,000 के प्लस 10 लाख के ऊपर जितना भी होगा उस पर कितना भरना पड़ेगा, 30% टैक्स भरना पड़ेगा। बट कंपनी का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही इनकम से, पहले फर्स्ट रूपी से 30% टैक्स लगेगा, 30% प्लस सेस, एडुकेशन सेस होता है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट, एडुकेशन के लिए गवर्नमेंट आपसे लेती है बाय वे ऑफ टैक्स, तो ये भी लग जाएगा, समझ रहे। अप्रोक्सीमेटली 31-32% हो जाएगा टैक्स, समझ रहे। और पार्टनरशिप में अगेन बहुत सारे अलाउंसेस है, बहुत सारे डिसअलाउंसेस है, ये सब मिला के पार्टनरशिप में मिड वे में थोड़ा टैक्स लगता है। यस, अगर टैक्स लाइबिलिटी एकदम कम करनी है गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, गवर्नमेंट अगर यूज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करोगे सबसे ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी, अगर मिडल में रहना गो फॉर पार्टनरशिप। बिजनेस सीक्रेसी, आपको बिजनेस में जितने ज्यादा सीक्रेट मेंटेन करना है, आपको बिजनेस में ऐसा चाहिए कि यार ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए अपने बिजनेस के, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बोला है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलो, दोनों ही किया। इफ यू वांट टू क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट वांट टू मेंटेन एनी सीक्रेसी गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मिड साइज में रहना है गो फॉर पार्टनरशिप। समझ रहे आपके बिजनेस में ऐसा है कि सीक्रेसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। कि अगर आप कंपनी फॉर्म में गए तो ऑब्वियसली बात है कि आपका बहुत सारा गवर्नमेंट रेगुलेशन है जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को बोलता है, समझ रहे। और ओनर्स भी है जो शेयर होल्डर है, और आप मैनेजर हो तो आपको
ट्रांसपेरेंसी विद इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, सभी के रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट, सभी मतलब क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो लिस्टेड कंपनी को गवर्न करता है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, इतना भी ज्यादा यहाँ पे सीक्रेसी लीक नहीं होता। बट अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे रिस्क है, सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकेला इंसान है जिसने डिसीजन मेकिंग लिया है, उसको ही पता है चीजें क्या है, तो सीक्रेट बाहर आएगा ही नहीं। पार्टनरशिप में अगर पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है तो बाहर आएगा। और कंपनी में तो गवर्नमेंट ही ना बोल रहा है, कंपनीज एक्ट ही ना बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, सीक्रेसी विल बी नो मोर। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या, ऐसा नहीं बोल रहा कि कौन सा एरिया, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये वो वाला एरिया नहीं है, स्प्रेड ऑफ बिजनेस है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हो तो आपका एरिया ऑफ बिजनेस बहुत ही कम रहेगा, समझ रहा है, क्योंकि देखो आपको कंट्रोल चाहिए ना बिजनेस पे, और कोई आपके बिजनेस डिसीजन ना ले तो आपका एरिया भी इतना लिमिटेड होगा रहे। जबकि आप अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यू कैन डू द ग्लोबल बिजनेस, यू कैन बी वन ऑफ द एमएनसी, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और पार्टनरशिप में जाओगे तो कहीं पर मिड वे में रुक सकते हो। यस, दैट इज जनरल, इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में गए तो आप बिजनेस ग्लोबल बना ही नहीं सकते, बना सकते हो, बट देर आर वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेज, देर आर वेरी फ्यू सोल प्रोप्राइटर हु कैन डू द बिजनेस ग्लोबली। बट यस, कंपनी हो तो यार आपके पास उतना मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उतना कैपिटल है कि आप ग्लोबल इजिली जा सकते हो, समझ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। अगर चाहिए आप खुद ही डिसीजन मेकर रहो तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने ले लिया डिसीजन मेकिंग, आप अभी अकेले नहीं लेने वाले हो, अभी बहुत जन आने वाले, अभी बहुत सारे बीओडी होंगे, अभी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर होंगे जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, समझ रहा है। और अगर आपको इधर बीच में किधर रहना है कि यार चलो अकेला डिसीजन मेकिंग लूंगा तो हो सकता है इफेक्टिव ना हो, तो अपन 10-20 जन मिलकर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा, तो गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। यस, जितना डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। जितना डिसीजन मेकिंग आप बोलोगे चलो यार ज्यादा ही दिमाग होंगे ज्यादा अच्छा है, तो कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट डिसीजन मेकिंग में बहुत खोपड़ी लोग आएंगे, दिमाग वाले लोग आएंगे, गो फॉर कंपनी। और मिड में रहना है कहीं पे, देन गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। दीज आर दी पॉइंट्स जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। आपको पार्टनरशिप जाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप जाना है, ज्वाइंट इन द फैमिली जाना है, कोऑपरेटिव जाना है, कंपनी जाना है, समझ रहा है। मैंने आपको कंपैरिजन के सारे पॉइंट बोल दिए। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब अनिकीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू।